So hello everyone. In this video today we will discuss all the IMS questions from SimCat, I think 4 to 10, which have been appeared in the geometry section, है ना? जो भी ज्योमेट्री के अभी तक के सब क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, सो यू डोंट हैव टू गो बैक टू द सिमकैट्स एंड वेस्ट टाइम देयर. वी आई विल पर्सनली गिव ऑल द अप्रोचेस ऑफ द आईएमएस ज्योमेट्री क्वेश्चंस, एंड ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं. अगर ये अच्छी लगे तो हम नेक्स्ट और कोई टॉपिक पे भी ला सकते हैं, मे बी TSG या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? तो दिस कैन बी यूज्ड एज रिवीजन सेशन. ठीक है, तो आप रिवीजन कर सकते हो, है ना? बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव पिक्ड ऑल द क्वेश्चंस. यू कैन पॉज एंड सोल्व द क्वेश्चंस, और एंड आफ्टर दैट यू कैन सी माय सॉल्यूशन, और डायरेक्टली यू कैन टेक इट एज ए रिवीजन वीडियो एंड ऑल्सो सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज. नवंबर में आपके लिए बहुत काम आने वाली है ना. एंड द वीडियो विल बी कमिंग इन द Part 1 एंड Part 2. दो पार्ट्स में वीडियो आएगी, है ना? सम क्वेश्चन वुड बी इन द Part 1, सम वुड बी इन द Part 2. आई विल फर्स्ट मेक द Part 1 एंड अपलोड इट. अगर आपको ये पसंद आए तो आई विल अपलोड द Part 2. द मेन कंडीशन इज दैट यू गाइज हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल. सो एज सुन एज आई रीच द 670 सब्सक्राइबर्स, आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. सो द थिंग इज यू हैव टू शेयर दिस वीडियो फॉर द सेकेंड पार्ट, एंड इफ पीपल लाइक दिस एंड द सेकेंड पार्ट, देन आई विल अपलोड वीडियोज लाइक दिस फ्रॉम द डिफरेंट मॉक सीरीज, डिफरेंट टॉपिक्स, एंड ऑब्वियसली इट वुड बी यूज एज अ वेरी वेरी हैंडी टूल फॉर द अपकमिंग कैट. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज AB इज अ कोड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एन एंगल एट 60 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो AB इज दिस कोड, ये 60 सबस्टेंड करती है यहाँ पे. तो दिस एंड दिस इक्वल, तो ये और ये एंगल भी इक्वल है, तो मतलब तीनों 60 60 60. तो आई गॉट टू नो दैट दिस इज 7, दिस इज 7. तो ये भी 7 हो जाएगा एंड दिस वुड बी 7, है ना? BC इज अनदर कोड विच सबस्टेंड एंगल 120. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ठीक है, एक तो BC है, देखो ये 60 है ना? तो एक अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा, है ना, BC, राइट? तो ये 120 हो जाएगा, है ना? दिस इज 120, तो BC बोला उसने 120 सबस्टैंड, BC इज अनदर कॉल्ड विच सबस्टैंड 120 एट द सेंटर. ओके, तो अब देखो सी पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं ना, सी पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं, ये पूरा जो मैंने पहले ड्रॉ किया था दिस इज 180, है ना? तो सी तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी समवेयर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो सी समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस वुड बी BC, है ना? तो ये BC है और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 120 होना चाहिए. ये 60 है, ये और ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल ट्राइंगल बनेगा, तो AC क्या आ जाएगा, 7. अब ऑप्शन में देखो, ये 7 से बड़ा है ना, ये भी 7 से बड़ा है, तो दिस और दिस कुड बी अवर आंसर. अब BC को मैं इधर वाली साइड नहीं लूंगा, BC को मैं कहीं और लेके देख लेता हूँ, सो दैट आई कैन गेट अ डिफरेंट वैल्यू, मे बी अ डिफरेंट वैल्यू, है ना? तो BC को मैं अगर इधर लूंगा, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया, BC को इधर ले लिया, तो ये 120 बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो A और C की डिस्टेंस उन्होंने लगा दी 7 + 7 = 14, विच इज इनकरेक्ट. तो हमारा 7 वुड बी द आंसर, है ना? 7 वुड बी द आंसर. ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है 50, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है. तो इसकी मैक्सिमम लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 50/2, दैट इज 25. ये कब पॉसिबल होती है ये भी देख लो, ये पॉसिबल होती है व्हेन दिस इज ए एंड दिस इज ए, मतलब ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, दिस इज आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, नाउ वी विल सी ABCD इज ए रेक्टेंगल वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस. ठीक है, ठीक है, तो एक बार एक प्लेन बना, कोऑर्डिनेट एक प्लेन बना लिया, और ए पॉइंट्स को, ए को लोकेट कर देते हैं, दिस हेयर, है ना, -3 to 1, दिस इज ए, एंड सी कितना है हमारा, 5, -3.
सो 5, -3 दिस वुड बी सी, दैट इज 5, -3। तो अभी रेक्टेंगल है तो ये ऐसे बनेगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, एंड ऐसे और ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, एक बार थोड़ा और क्लियर देख लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस ऐसे -3 है तो ये भी -3 होगी, और ये ऐसे -3 तो दिस वुड भी -3, -3। एंड अगर ये ऐसे 5 है, यहाँ से पता लग रहा है ना, तो ये भी 5 होगा और इसकी हाइट 1 होगी, है ना। तो ये हमने पता लगा लिया। इफ इट इज नोन दैट ए बी इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल ए बी है, तो यहाँ पे बी आ गया एंड दिस वुड बी डी, देन द डायगनल बी डी इज, तो डायगनल बी डी हमारा क्या हो जाएगा, दिस लाइन, है ना, दिस लाइन। सो दिस लाइन वुड बी द डायगनल बी डी। ठीक है, तो डायगनल बी डी में अब देखो कुछ कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। लेट सी कि डायगनल बी डी में ये पॉइंट तो फुलफिल करेगा -3, -3, तो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 एंड -2 इंटू दिस, तो +6। तो मे बी इसको होल्ड कर सकते हैं ना, इसको आंसर नहीं कह सकते लेकिन होल्ड कर सकते हैं ना। एंड जब इसको करेंगे तो -6 + 3, -3 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो दिस ऑप्शन इज गोन, दिस ऑप्शन इज गोन। नाउ लेट सी दिस वन, -6 + 3, दैट इज -3, दिस ऑप्शन इज गोन। ठीक है, नाउ वाई, दैट इज -3 + 6, 3, तो दिस कैन बी होल्ड, दिस कैन बी ऑन होल्ड। नाउ लेट सी अवर दिस पॉइंट 5, 1, तो यहाँ पे 1 - 10 दैट वुड बी -9, सो ये भी गया, है ना, ये भी गया। तो अब 5, 1 को इधर पुट करके देख सकते हो, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, है ना। वैसे जरूरत नहीं थी जब 3 ऑप्शंस गए, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पे, है ना। तो दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डिफर बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक की रेडियस आर है तो दूसरे की r+2 है। देर इज ए कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, तो ये स्मॉलर सर्कल है ना, और तो एक ऐसे कोड जा रही है जो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट है ना, दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक है। लेंथ ऑफ टू रेडियाई एंड दैट ऑफ द कोड आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ टू रेडियाई एंड दैट ऑफ द कोड, ठीक है, रेडियाई इनकी एंड एक कोड की, ये सारी इंटीजर्स लेंथ है। ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द कोड विच इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, तो ये इवन इंटीजर कैसे होगा कोड का, अगर इसकी लेंथ ए है ना, यहाँ पे यहाँ तक की, और ये लेंथ भी ए है, तो ये टोटल लेंथ 2a हो गई, तो ये इवन ही होगी, है ना। इज मोर देन 12 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ ऑफ द कोड, तो 2a इज ग्रेटर देन 12, सो ए शुड बी ग्रेटर देन 6, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। एंड द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, डायमीटर मतलब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो आर मेरा हमेरा क्या आ जाएगा, आर शुड बी डायमीटर, सो रेडियस वुड बी r+2 शुड बी लेस देन 25, तो दिस वुड बी आर शुड बी लेस देन 23, है ना। देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, वी हैव टू फाइंड द आर, तो वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ एंड वी हैव सम कंडीशन अबाउट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ। सो ए को मैं ग्रेटर देन 6 है, और ये वाला जो आर है ये मेरा थोड़ा छोटा होगा, तो ट्राई टू थिंक ऑफ सम पेयर जहां पे इसका और इसका डिफरेंस दोनों का 2 आएगा ना, 2 आएगा, तो ऐसा पेयर है 15 17, है ना, 15 17 8, मतलब ये लेंथ 17, ये 15, ये 8। अब ये वाली कंडीशन देखो, ग्रेटर देन 6 आ रही है तो फुलफिल कर रही है ना, डेफिनेट आंसर है, टीटा में है तो मतलब डेफिनेट आंसर आएगा, है ना। तो हमारे एक कंडीशन आएगी, यही आंसर आ जाएगा, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, सो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 15, 15 शुड बी माई आंसर। ठीक है, तो नाउ वी विल सी, ए क्यूब इज कवर्ड अंडर अ होलो कोन सच दैट द बेस ऑफ द कोन जस्ट टचेज द सरफेस ऑन विच द क्यूब इज प्लेस्ड। सो दिस क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू मेक यू एक्सप्लेन वेरी मच, बट लेट सी, है ना, लेट सी हाउ आई शुड ड्रॉ द डायग्राम, बिकॉज इट वुड बी अ 3D1, कुछ ऐसा कोन है, ये मैं 2D में प्लेस कर रहा हूँ ना, तो ऐसा है ना, लेट सी इफ वर्क्स, है ना। द फोर वर्टिसेज ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ द क्यूब टचेज द इनर कर्व सर्फेस ऑफ द कोन, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मतलब ये कोन है ना, और कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 टाइम्स इट्स रेडियस, मान लो रेडियस इसकी आर है तो हाइट वुड बी 2 आर, सिंपल।
The length of each edge of the cube is 5√2. So this would be 5√2, है ना, each edge, है ना. What is the height of the tip of the cone from the top face of the cube? टोटल हाइट 2r में से मैं माइनस 5√2 शुड बी अवर आंसर. लेकिन अब देखो कैसे करना है ना. तो देखो ये लेंथ जो ऐसे लेंथ या ये लेंथ आएगी, दिस लेंथ वुड बी a√2, है ना, a√2. सो दैट वुड बी, मतलब ये लेंथ आ जाएगी 5√2 इंटू रूट टू, दैट मीन्स दिस वुड बी 10. एंड ये लेंथ किसके बराबर होगी? तो दिस इज द 10, सो दिस वुड बी द 5. तो आर मेरा क्या आ जाएगा? 5. तो मेरा पूरी हाइट आ गई 10, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 5√2, है ना. तो 10 - 5√2 आएगा शायद. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टिप ऑफ द कोन फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द क्यूब, है ना. समथिंग ऑन दिस नोट आना चाहिए. बट स्टिल लेट्स सी हाउ दे हैव डन. अगर मैं इसको ऐसे सीधा रखूं, जस्ट वेट अ सेकेंड, 5√2, आई डोंट हैव सॉल्यूशन वगैरह, है ना, नहीं तो हम देख लेते. 5√2, दिस 5√2 10, एंड दिस इज आर, सो 2r वुड बी 10. दिस वुड नॉट बी आर ना, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है. हाँ, मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज दिस इज, अच्छा, सो दिस लेट्स डू वन अनदर मेथड, है ना, मे बी दैट माइट वर्क. तो दिस, जस्ट वेट अ सेकेंड, दिस ट्राइंगल, दिस वन एंड दिस बिग ट्राइंगल, दीज आर सिमिलर, सो, है ना, सो सिमिलर है, सो सिमिलर. ठीक है, ये मुझे समझ आ गया. और पूरा हाइट 10 है, ये भी समझ आ गया. लेट्स सी, है ना, एक ट्राइंगल तो ऊपर छोटे वाला है, ये 5 है, एंड ये है 10 - 5√2, और एक एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है ना, जो मैं बड़ा ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ. तो ये है हमारा 5. नहीं, सो वी आर डूइंग मिस्टेक. यहाँ पे हमने 10 लिया ही नहीं है ना, क्योंकि ये 10 है, अभी हमें पता नहीं है वो क्या आएगा, लेकिन ये 5 फॉर श्योर है. तो ये हमारा आर ही रखते हैं, एंड ये पूरी हाइट को 2r रखते हैं, एंड दिस वुड बी 2r - 5√2 आएगा ना. ये तो दोनों सिमिलर हैं, तो व्हाट वी कैन डू, दैट 5/r इज इक्वल टू 2r - 5√2 बाय 2r. सो r से r कैंसिल, सो 10 इज इक्वल टू 2r - 5√2. सो r वुड बी 5 + 5/√2, समथिंग लाइक दिस, है ना. आई एम नॉट वेरी श्योर. तो इन्होंने पूछा है इसका डिस्टेंस, है ना. तो इसका डिस्टेंस वुड बी 2r, तो मारा गया था 10 + 5√2, एंड -5√2 करेंगे, तो 5√2 - 5√2, 10 शुड बी द आंसर, है ना, 10 शुड बी अवर आंसर. ठीक है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एरिया ऑफ रोम्बस इज 720. तो एरिया ऑफ रोम्बस मैंने बताया हुआ है आपको, हाफ इंटू d1 × d2. सो d1 × d2 क्या आ गया मेरा? 1440. ठीक है, पैरीमीटर है 164. सो ए मेरा क्या आ गया? 41, है ना, 41, है ना. आई ऑल्सो नो वन फॉर्मूला, d1² + d2² इज इक्वल टू 4a², है ना. तो 4a मेरा आ गया था 164 इंटू ए, दैट वुड बी 41. सो आई एम जस्ट मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस. 164 इंटू 41, सो 6724, राइट. सो दिस वुड बी 6724. ठीक है, लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग. फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ डायंगल. आई हैव टू फाइंड d1 + d2. सो आई कैन राइट दिस एज d1 + d2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d1² + d2² + 2d1d2, ना. सो 2880, सो दिस वुड बी 4069,
एंड दिस वुड बी डी वन प्लस डी टू का होल स्क्वायर. सो यहाँ से दिस इज गॉन बिकॉज यूनिट डिजिट 4 आ रही है. 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगी, 49 का करेंगे 1 आएगी. सो 198 एंड 98 इज द कंफ्यूजन. 198 ज्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, 198 का स्क्वायर. सो 98 शुड बी द आंसर है ना, क्लोज टू. अगर 100 का करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 से कम है तो 100 से कम आंसर आना चाहिए. दैट वुड बी 98 शुड बी माई आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स सी द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रोन ऑन द रोम्बस. सो अगेन ऑन द रोम्बस, दिस इज द रोम्बस. सो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. उसने क्या बोला है, रोम्बस नहीं बोला. द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रोन ऑन द रोम्बस शेप्ड पीस ऑफ पेपर. मतलब ये मेरा पीस ऑफ पेपर या इसमें मुझे देखो, आपका ये सारा एरिया अगर मैं ब्लैक ड्रॉ कर दूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. बहुत बच्चों ने यहाँ पे सर्कम सर्कल ले लिया था. इन सर्कल क्यों आएगा, लेट मी एक्सप्लेन. है ना, आपके पास इतना ही कोई पीस है ना, बाकी कहीं भी सर्कल नहीं आ सकता. तो अगर आप सर्कम सर्कल की बात कर रहे थे तो सर्कम सर्कल तो ऐसे आना चाहिए, ये तो ब्लैक पार्ट पे आ गया, बट आपको तो उसके अंदर ड्रॉ करना है ना. तो अंदर वाला सर्कल क्या होगा, दैट वुड बी योर इन सर्कल, है ना. इन सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इन सर्कल एक मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा इन सर्कल है. ठीक है. हुज डायगनल्स आर लेंथ ऑफ टेनेंट. तो डायगनल है, तो डायगनल है ये वाला एंड, और एक ये डायगनल है, ये 90 पे मिलते हैं. ठीक है. सो 10 है तो ये 10 वाला है, तो इसकी लेंथ ये वाली 4, 5 हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी 12. तो हमें ये ट्रिपलेट याद आ गया, तो दिस वुड बी 13. तो हमें फाइंड करना है, व्हाट हैव टू फाइंड, लार्जेस्ट एरिया है ना, एरिया फाइंड करना है. तो पहले इसकी रेडियस चाहिए सर्कल की. सर्कल की रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाली सर्कल की रेडियस है, दैट वुड बी 90. सो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 60/13 वुड बी द रेडियस, AB/C है ना, बोथ साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस. ठीक है, 60/3 आ गया. तो बस अब 60 पाई 22/7 × 3600 है ना, 22/7 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 169, दैट वुड बी 66.94. सो 66.94 मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है ना. आई होप यू आर इंजॉइंग द सेशन एंड सीइंग द अप्रोचेस. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट अ सेकेंड. APQ हैज बीन फॉर्म्ड बाय द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस लाइन 3x + समथिंग लाइक दिस है ना. तो ओके, सो दिस हैज बीन क्वेश्चन विच इज गेटिंग फ्लोटेड अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट. ओके ओके, सो पिक्स थ्योरम वी हैव टू यूज. सो देर इज अ लाइन एंड द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर देयर. सो द लाइन इज दिस वन एंड दिस पॉइंट वुड बी द 8,0 एंड दिस पॉइंट वुड बी 0,0 एंड दिस पॉइंट वुड बी 0,12. सो फर्स्ट आई हैव द फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू इंटीजर प्लस बाउंड्री पॉइंट्स बाय 2 माइनस 1. दिस इंटीजर मीन्स पॉइंट्स इन